नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। लखनऊ की अदालत में जिस तरह से गोलियां चलाई गई, न्याय के मंदिर में दिन दहाड़े हत्या की गई, ये बेहद ही शर्मनाक था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से जिस तरह से हम दिन दहाड़े लोगों पे गोलियां चलते हुए देख रहे हैं, ये बेहद ही चिंताजनक है। अब आज इस वीडियो में हम इसी मामले को लेकर आपको पॉइंट टू पॉइंट हर अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कल से, यानी कि 7 जून से। 7 जून को जब संजीव जीवा को लखनऊ की अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां एक व्यक्ति वकील की कॉस्ट्यूम में आता है और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिसके बाद ही तुरंत उसकी जीवा की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि 6 की 6 गोलियां जो थी वो जीवा के शरीर में उतार दी जाती है, जिसके बाद वहां पर पुलिस जो है वो कुछ समय इंतजार करती है। जी हाँ, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि वहां के जो चश्मदीद गवाह है यानी कि वकील है, वो ये बताते हैं कि पुलिस ने तुरंत उसी वक्त एम्बुलेंस को नहीं बुलाया और जीवा को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल नहीं गई, बल्कि उन्होंने कुछ समय वहां पर इंतजार किया और जब ये पुष्टि हो गई कि अब जीवा जिंदा नहीं बचा है, उसकी मौत हो चुकी है, तब वो उसको उठाकर अदालत से बाहर लेकर गए। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि पुलिस की जो चूक थी सुरक्षा में वो बहुत ज्यादा थी। आपको बता दें, जिस तरीके की अपडेट्स इस मामले से जुड़ी हमको मिलती रही है वो कुछ इस प्रकार है कि 8 जून को पहला खुलासा होता है। जी हाँ, 8 जून को पहला खुलासा होता है इस मामले को लेकर कि ये जो प्लान था इसके तहत एक प्लान बी भी तैयार किया गया था। जी हाँ, जो अपराधी हैं जिन्होंने गोलियां चलाई उनका प्लान बी भी तैयार था। आपको बता दें, प्लान बी के तहत ये प्लान बनाया गया था कि अगर जीवा बच जाता है और भागने की कोशिश करता है तो वहां पर उस अदालत में दूसरा शूटर भी मौजूद होगा जो उस वक्त उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देगा, और वहां पर उस वक्त दूसरा शूटर भी मौजूद था। जी हाँ, ये प्लान बी का खुलासा होता है। फिर अगली ही अपडेट जो हमें बड़ा खुलासा देखने को मिलता है वो मिलता है जीवा की सुरक्षा में चूक। जी हाँ, आपको बता दें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां के जो चश्मदीद हैं यानी कि जो वकील है, उनका कहना है कि इससे पहले जब भी जीवा को अदालत में लाया जाता था तब उसको हेलमेट पहनाया होता था और बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहनी होती थी, लेकिन जिस दिन उसकी हत्या हुई उस दिन ना तो उसने हेलमेट पहना था और ना ही उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। और जैसे गोलियां उस पर चलाई गई, जब उसके पीठ के पीछे से उसके अंदर 6 गोलियां उतारी गई, उसके बाद भी पुलिस ने तुरंत जो है वो एक्शन नहीं लिया, यानी कि तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर उसको बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उसके मरने का इंतजार किया। तो अगली अपडेट जो आई वो आई पुलिस की भारी चूक से लेकर। उसके बाद जो तीसरा खुलासा हमारे सामने हमें देखने को मिला वो मिला अमेरिकन गन का। जी हाँ, आपको बता दें, अमेरिकन रिवॉल्वर का एक बड़ा खुलासा इसमें सामने आया कि जिस हथियार से जीवा की हत्या की गई, जिस हत्यारे ने गोलियां चलाई, वो जो हथियार था वो अमेरिकन रिवॉल्वर थी। जी हाँ, वो 357 बॉस की अमेरिकन रिवॉल्वर थी, जो जिसकी कीमत अगर मार्केट में देखी जाए तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की आती है, और उसका एक कारतूस, हर एक कारतूस करीब 1.5 से 2 हजार के करीब आता है। तो यहाँ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महंगा हथियार जो है वो हत्यारे को दिया गया था। और कोई ना कोई, अब इससे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जब ये खुलासा हुआ कि अमेरिकन गन से जो है उसका जो है हत्या की गई जीवा की, उससे बड़ा खुलासा एक ये भी इसके पीछे होता है कि क्या जिस तरीके का महंगा हथियार जो उस हत्यारे को दिलाया गया, क्या इसके पीछे कोई बड़ा शख्स शामिल है? क्या कोई बड़ी हस्ती है जो इसके पीछे बैठकर एक मास्टरमाइंड है जो जिसने इस हत्या को अंजाम दिलवाया? इसके बाद जो अगला हम आपको बताएं कि उसके बाद ही जो कोर्ट है, जब ये हत्या हुई वहां से बहुत से विजुअल्स जो हैं वो हमें देखने को मिले, किस तरह के से, क्योंकि जो वो हत्यारा था उसने जैसे ही गोलियां चलाई वो वहां से भागने की कोशिश करने लग गया था और वो भागने शुरू हो गया था, और उसी वक्त वहां के जो वकील थे, मौके पर जो वकील मौजूद थे, उन्होंने उसे पकड़ा और मारना शुरू किया। उस वक्त अदालत से क्या वीडियो सामने आई, क्या विजुअल सामने आई, हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। ये देखिए,
आज ही यानी कि 8 जून को एक और अपडेट सामने आती है इस मामले से जुड़ी, जिसमें कपिल सिब्बल जो है, जी हाँ, हमारे देश के जाने माने जो कपिल सिब्बल हमारे अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाते हैं देश की न्याय व्यवस्था को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि वो वकील भी है और वो जो अपराधी था वो भी वकील के भेष में जो है वहां अदालत में पहुंचा था, उसने मर्डर किया था। इससे पहले भी हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से जो अतीक अहमद का मर्डर होता है उसमें जो अपराधी है वो मीडिया का भेष अपना कर वहां जाते हैं और किस तरीके से अतीक का जो है वहां पे मर्डर किया जाता है। तो जिस तरीके से यूपी में ये सारे घटनाक्रम पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिली है, उसको उठाते हुए कपिल सिब्बल बहुत ही चिंतित नजर आया। उन्होंने ट्वीट कर गृहमंत्री अमित शाह जी से सीधा सीधा ये सवाल पूछा कि जिस तरीके की घटना है, जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में जो है वो मौतें हो रही हैं, उसको लेकर आप चिंतित हैं? क्योंकि हम तो हैं, आपको सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि हमें तो है, क्योंकि अब हमें डर सा लगने लगा है यूपी में रहते हुए, इस देश में रहते हुए। आपको बता दें कि जो वकील है वो भी इससे बहुत ही ज्यादा जो है इस हत्याकांड से जो है बहुत ही रोष में है, उन्होंने भी बहुत नाराजगी दिखाई है, क्योंकि उनकी छवि पर कहीं ना कहीं एक जो है ये दाग उठा है, एक सवाल उठा है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अदालत में वकील का कोट पहनकर, एक कॉस्ट्यूम पहनकर अंदर आ जाता है और गोलियां चला देता है, और ये हमें कोई पहली बार देखने को नहीं मिला है। हमने देखा है कि देश की कई अदालतों से, अलग अलग अदालतों से हमें हर अलग अलग समय पर गोलियों की गूंज जो है वो सुनाई देती रही है, और जो इस बार भी हमें 7 जून को लखनऊ की अदालत से सुनाई दी और दिन दहाड़े एक मुजरिम की हत्या कर दी गई। आपको बता दें इसके बाद अखिलेश यादव का भी बयान आता है, जी हाँ, सत्ता के गलियारों में, राजनीति के गलियारों में जितने भी नेता है वो इसके खिलाफ आगे आने शुरू होते हैं, और अब अखिलेश यादव का बयान आता है। जब अखिलेश यादव से ये पूछा जाता है कि आप इस मामले में क्या कहेंगे, तो वो सीधा पहले तो ये कहते हैं कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वरना आप ही लोग बोलेंगे कि मैंने ही ये काम कराया है, यानी कि समाजवादी पार्टी ने ही ये हत्या कराई है। तो आपको बता दें कि उसके बाद अखिलेश यादव बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हो क्या गया है, क्या हमारे देश में, क्या हमारे राज्य में, अब उत्तर प्रदेश में कभी भी जिसका भी जब मन करेगा वो अंदर घुस जाएगा अदालत जैसी जगहों पर और गोलियां चलाना शुरू कर देगा और मार देगा और बचकर निकल जाएगा, क्या हो गया है हमारे लॉ एंड ऑर्डर को? और इसके तहत उन्होंने आगे और क्या क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, अगर तो सबसे पहले पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि आखिरकार लगातार कार्यवाहक डीजीपी क्यों है उत्तर प्रदेश में? एक कार्यवाहक डीजीपी रिटायर हो गए, दूसरे कार्यवाहक डीजीपी वो रिटायर हो गए, तो तीसरे कार्यवाहक डीजीपी, और लगातार कार्यवाहक डीजीपी होने का मतलब क्या है? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं क्या? और फिर सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो लखनऊ में है, पूरे उत्तर प्रदेश में हर दिन हमें खबरें मिलती हैं। अब मैं अगर खबरें ये वो है जो दिखा सकते हैं आपको, आज की अगर हम दिखाएं पूरे लखनऊ की या पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें, तो इतनी खबरें देखने को मिलती हैं। अभी नोएडा की खबर मैं पढ़ रहा था जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, कि पिछले कुछ दिनों में कितनी घटनाएं हुई है महिलाओं को लेकर की। कानपुर में किशोरी से किया दुष्कर्म, आप खुद जानते हैं, आप बेटी से दुष्कर्म, पति का सुसाइड। कल रात को बस्ती का धरना चल रहा था, जब मैं लौट करके आया कार्यक्रम में तो मुझे किसी ने जानकारी दी कि बस्ती में FIR लिखाने के लिए, पकड़े जाने के लिए पूरी जनता सड़कों पर है, महिलाएं बड़े पैमाने पर सड़कों पर है। और नोएडा की खबर तो बाद में बताऊं मैं, महिला वकील का घर के बाहर ही मर्डर हो गया। सरकार अब पता नहीं अपना पक्ष क्या बताएगी। इसी तरह नोएडा की मैं खबर ढूंढ रहा हूं, 5 महीनों में रेप के 88 केस, हर दूसरे दिन हुई वारदात। क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है? क्या यहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं? क्या ये लोग टिफिन लेकर के निकले हैं? क्या इनको जिले जिले में लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं नहीं पता लग रही? क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर है? कन्नौज के एक सांसद
चौकी में घुस करके पूरी पुलिस को पीटा। बताओ पुलिस पीटी कि नहीं पीटी? आप जानकारी करिए, पुलिस पीटी गई और एफआईआर दर्ज हो गई। लखनऊ से दबाव ऐसा पड़ा कि उस एफआईआर में पता नहीं है और कार्यक्रम कर रहे हैं खुलेआम। बताओ पुलिस को पीटने वाले कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहानी सुनाते हैं बीजेपी वाले लोग? 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी कहानियां, जब हम राजनीति में नहीं थे तब की कहानियां सुनाते हैं ये लोग कि लॉ एंड ऑर्डर क्या था, लॉ एंड ऑर्डर ये था। क्या ये कल्पना कर सकते हैं दिल्ली के बगल में 5 महीने में रेप 88 केसेस, किस सेक्टर में कितने अखबार लिख रहा है? क्या लखनऊ में सीसीटीवी पर नई दिल्ली मिलती घटनाएं आपको? पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझकर खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पर मारा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। यहां आकर के जहर खाएं, सोचिए, यहां पीछे सड़क पर, ये लॉ एंड ऑर्डर है, गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकती। आपको बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अब बात करें संजीव जीवा की। जी हाँ, जिसकी हत्या की गई, जिसको एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर के रूप में देखा जाता था उत्तर प्रदेश में। संजीव जीवा कौन था, अब हम आपको ये बताते हैं। दरअसल 90 के दशक में संजीव महेश्वरी जीवा ने अपना खौफ पैदा करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, फिर धीरे धीरे वो पुलिस व आम जनता के लिए सिरदर्द बनता चला गया। 90 के दशक में उसने अपना पहला कदम जो है वो नब्बे के दशक में उसने अपना पहला कदम जो है वो क्राइम की दुनिया में रखा। आपको बता दें कि जो संजीव जीवा था वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। अपराध की दुनिया में आने में पहले वो मेडिकल स्टोर के पैच अपराध की दुनिया में आने से पहले उसने मेडिकल स्टोर में वो जिस मेडिकल स्टोर में काम करता था उसके कंपाउंडर को अगवा कर लिया था, या किडनैप कर लिया था। तो शुरुआती दौर में वो किडनैपिंग करता था, हफ्ता वसूली करता था, फिरौतियां मांगा करता था। लेकिन जब सबसे ज्यादा उसका नाम क्राइम की दुनिया में उभर कर आया वो दिन था 10 फरवरी 1997 का। जी हाँ, जब उसने देश के उस समय के देश के भाजपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले ब्रह्मादत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप जब जीवा पे लगा तब उसका नाम देश में एक बड़े गैंगस्टर के रूप में देखा जाने लगा। आपको बता दें कि 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मादत्त द्विवेदी को उसने मारा था, ऐसे उस पर आरोप लगे थे, जिसके चलते ही अभी 7 जून को उसको लखनऊ की अदालत में सुनवाई के लिए लाया गया था। उसके बाद आपको बता दें कि थोड़े दिनों बाद, यानी कि 10 फरवरी 1957 के थोड़े दिनों बाद जीवा मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया था। एक बहुत बड़ा गैंग था जिसमें वो घुस गया। इसी कड़ी में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। जी आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का भी इसमें एंगल बताया जा रहा है। बताया जाता है कि मुख्तार को आधुनिक हथियारों का बहुत शौक था और जीवा के पास हथियारों को जुटाने की तिकड़े में नेटवर्क था, यानी कि वो लेटेस्ट हथियार जो थे वो जुगाड़ कहीं से भी कर लेता था। और इसके चलते उसे अंसारी का खास अटेंशन भी मिला। मुख्तार अंसारी का खास वो बन चुका था उस समय में। आगे चलकर दोनों का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में आया, हालांकि इस मामले में 2005 में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ही बरी कर दिया था। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका था, यानी कि जीवा को 17 मामलों में छोड़ दिया गया था, उसे बरी कर दिया गया था। वो काफी समय से जेल में था। अब वो जिस जेल में था वो बाकी के बचे हुए मामलों के चलते था, उस पर वहीं रहते हुए गैंग चलाने के आरोप भी लगते रहे थे समय समय पर, और कुछ समय पहले उसकी संपत्ति भी प्रशासन ने कुर्क कर ली थी, यानी कि जब्त कर ली थी। तो जिस तरीके के आरोप और जिस तरीके के जो केसेस हैं उस पर चल रहे थे उससे तो साफ था कि वो एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ गैंगस्टर था। तो जिस तरीके के मुकदमे और जिस तरीके के केसेस उस पर लगे हुए थे, जिस तरीके के आरोप उस पर लगाए गए, तो उससे तो ये साफ जाहिर होता था कि वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। लेकिन
गैंगस्टर था और उसको क्या सजा होनी चाहिए, इसका अधिकार हमारे देश में न्याय अदालतों को है, जजों को है, ना कि इस सरकार को कि वो खुलेआम किसी का भी मर्डर करवा दे, यानी कि एनकाउंटर करवा दे, जो कि हमारे देश की छवि को बहुत धूमिल करता है और न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अब आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि आगे संजीव जीवा की जो सास है उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। अब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे, मेरी बेटी के उसे बख्शा है सरकार, और उसे मतलब कोई उसे न्याय चाहिए बेटा, वो अपने बच्चे पाल ले बस ऐसा कुछ। अच्छा, जो इसकी कोर्ट में हत्या हुई है उसको हाँ। कहना क्या क्या कहना है आपका भाई? मुझे कहना है प्रशासन का ही कुछ काम है, प्रशासन की कमी सब है बेटा। और उन्हें ड्रेस कहाँ से मिल गई, कहाँ था गे? ऐसा चलो वो तो जो प्रशासन जाने भाई। संजीव मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तो बहुत सिद्धि है, मेरी बेटी बहुत सिद्धि है, जैसा आपकी उसमें रहता था ना, तो अंदर फिर उन गलत कैसे कर दिया कुछ, वो तो उनकी गलती होगी ना, उनके पास था वो, तो फिर गलत कैसे हो गया। अब मेरी बेटी को फंसा रहे भाई, उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सरकार का फेलियर है जो उसकी हाँ, सरकार का ही कुछ कमी होगी भाई, प्रशासन की कमी होगी। माता जी, संजीव हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था, कल नहीं पहनी थी, तो वो भी की गलती होगी बेटा। किनकी गलती होगी? प्रशासन की, जो लेके गए उनकी हो सकती है, और तो हाँ मैं तो तेरे साथ दुश्मन नहीं था, कोई और तो था नहीं वहाँ, यही तो थे। तो बुलेट प्रूफ जैकेट होनी चाहिए थी, प्रशासन का भी ये भी फेलियर है, होनी चाहिए थी, वो बहुत जरूरी। अगर ऐसा फैसला होगा बेटा, जब खुद ही फैसला कर देंगे तो जज की क्या जरूरत है, फिर तो बस सब खुला वही हो जाएगा कोर्ट में, फिर किसी की कोई जरूरत नहीं, फिर तो सब अपने आप ही कर। माता जी, इससे पहले अतीक अहमद की हत्या हुई जी, अशरफ की हत्या हुई, अब संजीव की हत्या हुई, तो कैसे मानते हैं, क्या है ये एक षड्यंत्र है? हाँ, षड्यंत्र है भाई, कुछ कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो बात है, ऐसा कैसा हो गया? तो क्या मानते हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, उनका उद्देश्य क्या है? मैं बता नहीं सकती। आप क्या चाहती हो, आप क्या इंसाफ? हाँ, मैं इंसाफ में चाहती कि मेरी बच्ची को बख्शो। आपकी वो आएंगे क्या, पायल महेश्वरी? उनकी भाई क्या नहीं सकते बेटा, क्योंकि देखो ये भी आपको आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या माता जी? जिया, अभी जो हमने बात करी, हमने बात की संजीव जीवा के बारे में, लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हत्यारे के बारे में। आपको बता दें कि जिसने ताबड़तोड़ 6 गोलियां संजीव जीवा के शरीर में उतारी, आखिर वो शख्स है कौन? हत्यारे विजय यादव जौनपुर निवासी है। जानकारी के अनुसार विजय यादव 11 मई को गाँव छोड़कर काम की तलाश में निकला था। आपको बता दें कि उसके बाद से उसने परिजनों से कोई बात नहीं की, ऐसा पूछताछ में पता चला है। जौनपुर का वो निवासी माना जाता है। साथ ही आपको बता दें, हाँ, जिसके बाद वो 10 मई को अपने साले की बेटी की शादी में, जी हाँ, आपको बता दें कि अपनी वो साले की बेटी की शादी में शामिल हुआ था, और विजय यादव फिर मुंबई से काम करता था, और 11 मई को वह काम की तलाश में लखनऊ आ गया था। तो वो मुंबई में ही उस वक्त काम कर रहा था, और उसके बाद वो 11 मई को लखनऊ आ गया था। उसके बाद 11 मई को जो वो काम की तलाश में लखनऊ आया, उसके बाद से उसके जितने भी उसके जो रिश्तेदार थे उनसे उसका कांटेक्ट खत्म हो गया, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 7 जून को उसने इतने बड़े हत्या को जो अंजाम दिया वो तो हम सबके सामने है ही। अब आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।